अनुपम सिंह के ड्रेन पाइप इंस्टॉलेशन वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। हमारे इंस्टॉलेशन के लिए की पार्ट्स कुछ इस तरह से हैं: वेस्ट कपलिंग्स, थ्री पॉइंट कपलिंग टी पाइप, वाई शेप ट्रैप, प्लास्टिक नट, कनेक्टिंग होज पाइप एंड अ ड्रेन आउट पाइप, एल्बो बेंड, ओवरफ्लो पाइप असेंबली, टेपर वॉशर्स, फ्लैट वॉशर्स। सबसे पहले हम इंटेलीड्रेन वेस्ट कपलिंग फिट करेंगे। ये उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं: मेन बॉडी, स्ट्रेनर, वॉशर, नट और लिड। इंटेलीड्रेन कपलिंग को पहले खोल लें। सबसे पहले ये प्लास्टिक का नट निकालें, साथ में एक ब्लैक वॉशर निकलेगा। लिड हटाएं, स्ट्रेनर निकालें और जो ऊपर ये सफ़ेद फोम का वॉशर है ये इंटेलीड्रेन के साथ ही रहेगा और अंदर की तरफ से लगाया जाएगा। इसे अंदर की तरफ से पूरा बिठा दें और सिंक को पलट कर उल्टा कर लें। जो नीचे की ओर का पोर्शन है उसके अंदर फिर एक काला रबर का वॉशर लगाएं और ऊपर से प्लास्टिक का ये नट कस दें। जो साथ में स्पेशल टूल है उसकी मदद से इस नट को अच्छी तरह कस दें ताकि कपलिंग बिल्कुल ना हिल पाए। ये हमारी वेस्ट कपलिंग्स फिट हो गई हैं। अब हम कपलिंग का टी पाइप लेंगे। सबसे पहले हम एक प्लास्टिक नट लेकर उसमें नीचे की ओर से फिट करेंगे। उसके बाद एक टेपर वॉशर चढ़ाएंगे जिसका कि पतला सिरा नीचे की ओर हो। उसके बाद ऊपर वाले नट के अंदर एक फ्लैट वॉशर लगाएंगे। और इस असेंबली को उल्टा पकड़कर कपलिंग के ऊपर कस देंगे। इसके बाद हम वाई शेप वाला ट्रैप लेकर जो खुली चूड़ी वाला हिस्सा है उसको टी पाइप के ऊपर रखकर टाइट कर देंगे। अब आपके पास दोनों साइड नट के साथ में एक कनेक्टिंग पाइप है। उस नट के अंदर एक फ्लैट वॉशर रख कर हम उसे इस टी पाइप के अंदर टाइट करेंगे। दूसरी ओर पर भी एक और फ्लैट वॉशर लगाकर हम दूसरे बोल की कपलिंग के ऊपर भी इसको टाइट करेंगे। जितना टाइट हो सके उसको टाइट करें। एल्बो बैंड लेकर जो हमने वाई शेप का ट्रैप लगाया था उसके अंदर एक फ्लैट वॉशर बीच में रखकर उसे टाइट करेंगे। ध्यान रहे कि एल्बो बैंड का दूसरा सिरा ऊपर की ओर हो। अब जो हमारा ड्रेन आउट पाइप है उसके अंदर एक टेपर वॉशर लगाकर हम उसे एल्बो बैंड के दूसरे हिस्से में टाइट करेंगे। ये हमारी असेंबली तैयार है। सिंक को साफ करने के लिए ये वाई शेप के ट्रैप का ये ढक्कन खोल लें। इस तरह से आप इसको निकालकर साफ कर सकते हैं। वापस ये ढक्कन लगाएं और ऊपर से ये नट कस दें। इसको वापस पलट कर सीधा कर लें और इंस्टॉल करें। आपके सिंक के मॉडल में अगर ओवरफ्लो की सुविधा है तो ये ओवरफ्लो पाइप लगाएंगे। ये ओवरफ्लो पाइप का हेड है। इसका बीच का पेच पहले खोल लें। गैस्केट और हेड को अलाइन करके फिक्स कर लें। ये पाइप इस जगह पर लगाया जाता है। बीच के होल में अंदर से स्क्रू को पकड़कर बाहर से ओवरफ्लो बॉडी के हेड को लगाएं और हाथ से स्क्रू को कस दें। स्क्रू ड्राइवर से उसे अच्छी तरह टाइट कर दें। उसको जोड़ने के लिए यहां दिया गया टी जॉइंट का ये ढक्कन निकालें
और इस पाइप को उसमें पुश फिट कर दें। यह हमारा इंस्टॉलेशन तैयार है।